राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैड़ के ITES के दसवीं कक्षा व +1 +2 के छात्रों ने राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का इंडस्ट्रियल भ्रमण किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के कंप्यूटर सेंटर के साइंटिफिक ऑफिसर अनिल कुमार ने बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देते हुए बताया कि आज के युग में कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए प्रत्येक छात्र को कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने छात्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेटवर्किंग, जावा कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। इसमें जमा दो की रिचा, कृतिका, आकांक्षा, अक्षय, परवीन, दिनिशा, नेहा, अंकिता तथा दसवीं कक्षा की अमृता, आकांक्षा, शीतल, दिव्या, दिया कुमारी, महक, अंजना, शाहिल कुमार, अभिषेक, कुणाल, दिवांशु आदि छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। ITES की ट्रेनर रीना देवी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टाफ का इंडस्ट्रियल विजिट करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार विनायक हूँ, नोडल ऑफिसर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, और मेरे साथ श्री अनिल कुमार जी जो कि कंप्यूटर सेंटर्स में है, और साथ में राहुल है। तो बेसिकली ये जो अभी टूर था, इसके अंदर में तो हम लोगों ने जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो लोग, वैसे तो वो लोग कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हायर एंड कंप्यूटर्स वगैरह जो कि यहाँ हमारे NIT में हैं, वो बेसिकली उनको बेसिकली ऑब्जेक्टिव यह था कि दिखाना था। अब जैसे सबसे पहले हमने उनको वेब स्टूडियो दिखाया, उसके बाद कंप्यूटर सेंटर में यहाँ पर अनिल जी और राहुल ने दिखाया, तो मैं अनिल जी बताएंगे उसके बारे में कि क्या क्या दिखाया यहाँ पर। कंप्यूटर सेंटर में हमने बच्चों को जो सर्वर्स के बारे में बताया, और लैब में एक हमारे यहाँ पर लैंग्वेज लैब है जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों में, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा उनको ब्रीफ उसके बारे में बताया। और जो IT से रिलेटेड जो भी सर्विसेज कैंपस में रन होती हैं उसके बारे में बच्चों को बताया, और थोड़ा सा जैसे +2 के बाद बच्चे NIT में एडमिशन्स कैसे होती है, JEE एग्ज़ाम क्या होता है, उसको तैयारी कैसे करनी है, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में किया, और राहुल जी ने लैब को विजिट करवाया उसके बारे में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई बच्चों को, उनको रियल टाइम में करके दिखाई, जयपुर में एक फ्रेंड के साथ उनको लाइव कनेक्ट करके दिखाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। बाकी उसके बाद अभी बच्चों को लैब्स में बिठाया और उनको और ज़्यादा इसके बाद एक्सप्लोर कराएंगे कि वो इंटरनेट का कैसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनको वो एक्सप्लोर करके अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं।